चलिए नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का सत्यादि शर्मा परिवार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और सभी का स्वागत है भैया, बहुत दिनों बाद मिले हैं। ठीक है, मतलब 3-4 दिन बाद मिले हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों बाद क्लास लिए आप लोगों की। ठीक है, राखी, सचिन, मनीषा, गायत्री, सोहन, भानु और दुर्गेश, संध्या, सचिन, सचिन दो है ना, सचिन दो है, सचिन शुक्ला अलग है और सचिन अलग है, तो दो बार सचिन। ठीक है, चलिए सोहन, मनीषा, हाँ चलिए, किरण ठाकुर स्वागत है। आज देखो बहुत बहुत शानदार टॉपिक है, टीकाकरण, है ना। टीकाकरण से मतलब ये नहीं है कि टीकाकरण सिर्फ और सिर्फ आप महिला सुपरवाइजर आप देख रहे हो तो उनमें है, इम्पोर्टेंट उनके लिए है, ANM, GNM सबके लिए है ये, लेकिन आपको आज बहुत कुछ टीके के बारे में जानने को मिलेगा, है ना। सभी टीकों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, टीके कैसे लगाए जाते हैं, क्या होता है, वैक्सीन को कितने डिग्री पे प्रिजर्व करके रखा जाता है, तो ये सब आज हम जानेंगे ना, इसी के माध्यम से, MCQ के माध्यम से हम सब जानेंगे। ठीक है, ललिता, प्रियंका और सरदार, मीरा चौहान, अरुण ठाकुर, प्रीति कुशवाहा, तेज प्रकाश, जितेंद्र, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं, है ना। सभी का स्वागत, सब ज्वाइन हो चुके हैं। हम इतने दिन कहाँ थे, PSC की एग्जाम थी बच्चों की, हमारी नहीं बच्चों की एग्जाम थी, तो उस चक्कर में उनके लिए जो थी क्लासेस लग रही थी, आपने देखा था मैराथन क्लास लगी हुई थी, है ना, इस कारण से। चलो बहुत बढ़िया राखी, हाँ ठीक है, शुरू करते हैं भैया। और इससे पहले एक बार और अनाउंसमेंट मैं आपको बता देती हूँ कि MPPSC का न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, PSC के लिए ना, ये प्री मेंस ऑफलाइन और ऑनलाइन आपको दोनों मिलेगा। इसमें 8 जनवरी से शुरू होने वाला है, जो भी PSC की तैयारी कर रहे हैं वो एक बार सुन लीजिए बहुत अच्छे से। टाइम इसका 8 से 3 बजे तक रहेगा, ठीक है, नवलखा सेंटर पर शुरू होने वाला है। प्री मेंस और इंटरव्यू की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी, जिनकी फीस कितनी रहेगी, 30,000, ठीक है। उसके अलावा ऑनलाइन फीस जो आपकी रहेगी वो रहेगी 4999 ओनली, ठीक है, और 3 दिन की डेमो क्लास भी है। चलो अब तो शुरू कर देते हैं हमारी क्लास को। और भैया ये भी ऑल सब्जेक्ट की, है ना, ऑल सब्जेक्ट का जो बैच है वो भी स्टार्ट होने वाला है, और ये स्पेशल ऑफलाइन बैच है आपके लिए, है ना। ये भी कहाँ शुरू होगा, तो देखो नवलखा सेंटर पे शुरू होने वाला है, इसका समय 3 से 8 रहेगा। MPSI, MP पुलिस और SSC को टारगेट करके है, इसमें भी 2 दिन की डेमो क्लास आपकी रहेगी, है ना। उसके अलावा भैया ठाकुर सर का जन्मदिन है, जन्मदिन है 20 तारीख को, तो 20 से लेके जो 21 दिसंबर रहेगा उसमें आपके लिए कुछ क्या है, उसके लिए आपके लिए ऑफर है। जैसे कि देखो न्यू स्टूडेंट है तो 7,000 जो रहेगी फीस उनकी, और ओल्ड स्टूडेंट की 3,500 रहेगी भैया, ठीक है। 1 साल की वैलिडिटी के साथ 9,500 फीस है, और 1 साल की फीस कितनी है, 5,500 ओल्ड स्टूडेंट की। ठाकुर सर का बर्थडे है इस कारण से ऑफर दिया गया है, ठीक है। यहीं पर प्री प्लस मेंस पे 25,000 एक साल के लिए, और अगर प्री है ओनली प्री तो 15, और ओनली मेंस तो भी 15, ठीक है। हाँ भैया 20 तारीख को सर का जन्मदिन है, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है ट्यूबरकुलिन किस रोग में प्रभावकारी होता है, जल्दी बता दो ट्यूबरकुलिन किस रोग में प्रभावकारी होता है। हाँ भैया 20 दिसंबर को बर्थडे है सर का, ठाकुर सर का, ठीक है। चलो फटाफट से आंसर दो, तपेदिक, कुष्ठ रोग, पोलियो या फिर डेंगू, किसके लिए, किसके लिए जल्दी बता दो। आधे बच्चों को किसी के बारे में पता नहीं होता, बहुत सारे टीके लगते हैं ना, तो ये सभी के लिए आपका बेनिफिट है, मतलब कि बहुत अच्छा टॉपिक है मेरे हिसाब से। जल्दी बता दो क्या आंसर हो जाएगा। हाँ ए, ए आंसर लगा रहे हैं सभी, टीवी, ठीक है। चलो भैया तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हो जाएगा टपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस के लिए। अब देखो ट्यूबरकुलिन असर में क्या है, ट्यूबरकुलिन होती है एक सिरिंज, ठीक है, सिरिंज जिससे आपका क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है। टीबी के बारे में यदि हम बात करें, टीबी जो है, टीबी की खोज किसने करी थी, मतलब चलने वाली टीबी नहीं, जो रोग होता है, टीबी जो रोग होता है वो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है, किसके कारण होता है, एक बैक्टीरिया के कारण होता है, ठीक है,
और यहां पर इसकी खोज किसने करी थी? रॉबर्ट कोच ने करी थी। किसने करी थी? तो आप कहोगे रॉबर्ट कोच द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसकी? टीबी के बैक्टीरिया की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। ये बताया था कि टीबी होती है। टीबी किस अंग को प्रभावित करती है? मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है ना, फेफड़ों को प्रभावित करती है। और एक प्रकार का कैसा रोग है ये? संक्रामक रोग है। कैसा रोग है ये? एक प्रकार का संक्रामक रोग है ना, एक प्रकार का कैसा है? संक्रामक रोग है। देखो ये जो यहाँ पे आपको दिखाया है ये क्या चीज है? ये देखो ये क्या होती है? ये होती है ट्यूबरकुलिन की सीरीज, है ना। ये क्या है? ये है ट्यूबरकुलिन। ये होती है ट्यूबरकुलिन, ट्यूबरकुलिन, ये होती है ट्यूबरकुलिन। और ट्यूबरकुलिन के साथ जो यहाँ पे निडिल यूज की जाती है, ये निडिल कितने की होती है? ये निडिल होती है 26 गेज की। 26 गेज की निडिल यूज करते हैं, ठीक है। दूसरी बात, जब भी हम इस इंजेक्शन को किसी बच्चे को लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं? बाएं हाथ पर। कहाँ लगाते हैं? बाएं हाथ पर लगाते हैं। बाएं हाथ पर, ऊपरी हाथ पर, बाएं हाथ पर, ऊपरी हाथ पर, है ना। जो लेफ्ट लेफ्ट साइड होगी यहां पर लगता है इंजेक्शन, ठीक है। हाँ, यहाँ पर लगता है क्या? इंजेक्शन लगता है बीसीजी का, ठीक है। कहाँ लगता है? उल्टे हाथ पे लगता है। दूसरी बात, क्या इसे ऐसे लगाते हैं क्या? ऐसे सीधे लगा देते हैं? ऐसे नहीं, ऐसे लगने वाले टीके कहाँ लगते हैं? डायरेक्ट मसल्स में लगते हैं। जो टीके 90 डिग्री पे ऐसे लगाए जाते हैं, ऐसे, जैसे कोरोना का लगाया था, सबने कोरोना के टीके लगाए होंगे, तो इस प्रकार से लगाते हैं, ठीक है ना। हाँ हाँ तो इस प्रकार से क्या लगाते हैं? टीके लगाए जाते हैं। तो ध्यान रखना वो मसल्स का होता है। इसको कैसे लगाते हैं? जैसे ये स्किन है तो स्किन से बिल्कुल सटा कर ऐसे 15 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। तो ध्यान रखना इस इंजेक्शन को हम 15 डिग्री के एंगल से लगाते हैं। ट्यूबरकुलिन को कहाँ लगाते हैं? 15 डिग्री के एंगल से लगाते हैं, ठीक है। चलिए, भारत में कब शुरू हुआ सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम? मतलब कि भारत में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? जल्दी बता दो इसका आंसर। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? चलो फटाफट से आंसर लगा दो। कब किया गया? 1985 में, है ना, 1985 में। तो भारत में कब शुरू हुआ था ये? 1985 में शुरू किया गया था, है ना। कब किया गया था? 1985 में शुरू किया गया था टीकाकरण कार्यक्रम, ठीक है। चलिए सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के समय बीसीजी के टीके की खुराक कितनी होती है? जन्म के समय बीसीजी के टीके की खुराक कितनी होती है? सीधी, देखो सीधी जो आपने 1995 लगाया है वो पोलियो पल्स के लिए, पोलियो चालू हुआ था, पोलियो, है ना। प्रीति वर्ग दो में ये वाला टॉपिक इस प्रकार से आता भी नहीं है जिस हिसाब से आता है वो। अभी आप ये क्वेश्चन लगाओगे सब क्लियर हो जाएगा, बस आप सुनो और क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। वर्ग दो के हिसाब से बहुत सफिशियंट है, बहुत अच्छी बात बता रही हूं मैं आपको, बता दो। बी गलत, ठीक है। क्या है? गलत। जिसने भी बी आंसर लगाया है सबका गलत है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। जो बीसीजी का टीका होता है, बी सी जी, बीसीजी में हो जाएगा बेसिलस, बेसिलस, ठीक है। सी से हो जाएगा अल्बर्ट, अल्बर्ट कैलमेट, अल्बर्ट कैलमेट, ठीक है। और जी से क्या हो जाएगा? ग्यूरिन। क्या हो जाएगा? ग्यूरिन, कैलमेट, ग्यूरिन, ये फुल फॉर्म होता है इसका। ये दोनों किसके नाम है? ये दोनों आपके वैज्ञानिक के नाम है। किसके नाम है? दोनों वैज्ञानिक के नाम है। और इस टीके की खोज कब की गई थी? 1921 में की गई थी, ठीक है। किसकी? बीसीजी की। अब देखो, यदि जन्म से, यदि जन्म के समय लगाई जाएगी, यदि जन्म के समय लगाई जाएगी तो यह लगाई जाएगी 0.05 ml लगाई जाएगी। यदि बच्चा एक महीने का है
एक महीने बाद लगाओगे तो कितनी लगाओगे, 0.1 ml लगाओगे, 0.1 ml लगाओगे। और बीसीजी का जो टीका होता है, बीसीजी का टीका एक साल के अंदर आप लगवा सकते हो। अगर किसी बच्चे को जन्म से ये टीका नहीं लगा है तो वह एक साल के अंतर्गत इस टीके को लगवा सकता है, इजीली लग जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए 0.5 ml इसको लगा सकते हैं। यदि बच्चा छोटा है, नवजात है, 4 सप्ताह से कम है उसकी आयु, 1 महीने से कम का बच्चा है, तो फिर बहुत कम मात्रा में लगाओगे आप। और यदि वो एक महीना पार कर चुका है तो आप कितना लगाओगे, फिर 0.1 ml लगाओगे। एक साल बाद ये टीका नहीं लगाया जा सकता, एक साल के अंतर्गत लगेगा, है ना। ठीक है, 1921 में खोज हुई थी, किसने की थी, अल्बर्ट और ग्यूरिन ने ही की थी, दोनों ने मिलके, उन्हीं के नाम पे पीछे सी और जी लगाया गया है। चलिए आगे बात करते हैं, बीसीजी वैक्सीन को लगाने का मार्ग क्या है। ठीक है, जल्दी से बता दूं उसका रूट क्या है, कहां लगती है वैक्सीन, कौन सा रूट है इस वैक्सीन का, रूट बताओ जल्दी से, वैक्सीन का कौन सा रूट होगा, इस वैक्सीन का कौन सा रूट होगा बताओ। इंट्रामस्क्यूलर, क्या इंट्रामस्क्यूलर है, इंट्रामस्क्यूलर का मतलब होता है जो सीधे लगाया जाए, जैसे कोरोना काल में आप लोगों ने टीका लगवाया था, कोरोना का टीका, तो वो आपके हाथ पे से सीधा लगाया था। ठीक है, चमड़े के नीचे लगाते हैं क्या, चमड़े के नीचे मतलब ये ऊपर वाली लेयर के अंदर लगाते हैं क्या, इंट्राडर्मल है, स्किन में, त्वचा पे, ऊपरी त्वचा में लगाते हैं, या सब इंट्राडर्मल है, जल्दी से आंसर लगा दो, बी ए डी, चलो मिक्स आंसर आ रहा है सभी के, है ना। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं, देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पेन बड़ा कर लेते हैं हम, बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये इंट्राडर्मल होता है, क्या होता है, इंट्राडर्मल होता है, कहने का मतलब है ये ऊपरी त्वचा में लगाया जाता है, कहाँ लगाते हैं, ये ऊपरी त्वचा में लगाया जाता है। ठीक है, ऊपरी त्वचा में लगाया जाता है, उल्टे हाथ में, ठीक है, बाएं हाथ में, उल्टे हाथ में, उल्टे हाथ में ऊपर, ऊपर की साइड, उल्टे हाथ में ऊपर की साइड क्या करते हैं, इसे लगाते हैं। तो उल्टे हाथ में ऊपर की साइड क्या लगाया जाता है, ये टीका लगाया जाता है, इंट्राडर्मल होता है, बिल्कुल ऐसे स्किन से चिपका के इसको लगाते हैं, ये स्किन है आपकी, ये स्किन है, तो स्किन और आपके इंजेक्शन के बीच कौन सा कोण होना चाहिए, 15 डिग्री का एंगल होना चाहिए। ठीक है, कितना एंगल होना चाहिए, 15 डिग्री का एंगल इसके बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है, इंट्राडर्मल है। ठीक है, स्किन में लगाते हैं ना बिल्कुल, क्योंकि ये क्या करता है, इरिटेशन करता है, छाला बन जाता है, बच्चे को 5 mm का छाला बन जाता है, और ये 5 mm का जो छाला होता है, यही आप सभी अभी बैठे हुए हैं, अपने उल्टे हाथ पे चेक करो, अपने उल्टे हाथ पे एक निशान होगा, आपके उल्टे हाथ पे एक निशान होगा, ये निशान किसका है, बीसीजी के टीके का है। ठीक है, बीसीजी के टीका निशान छोड़ के चला जाता है ना, ये बीसीजी का जो टीका है ये निशान छोड़ के जाता है आपके कहां पर, उल्टे हाथ पर। तो इससे बच्चे की ये पहचान की जाती है कि इस बच्चे को लगा है या नहीं टीका, है ना, ताकि आसानी से क्या किया जा सके, टीके का पता लगाया जा सके कि इसको बीसीजी लगा है या नहीं लगा है। ठीक है, चलो अच्छा एक चीज और, ये देखो यहां पर दे रखा है आपको, है ना, ये जो है, ये जो आप देख रहे हो, ये देखो ये सब छाला उठ जाता है इसके ऊपर, ये छाला बन चुका है, और ये एंगल जो आप देख रहे हो, ये एंगल कितना है, 15 डिग्री का एंगल है, है ना। उसके अलावा जो मसल्स में लगते हैं, मांसपेशी में जो टीका लगता है, मांसपेशी में जो टीका लगता है वो कितना एंगल का लगता है, 90 डिग्री के एंगल का लगता है। ठीक है, ये क्या है, ये आपकी स्किन होगी, और ये क्या होगा, सीधा आपका इंजेक्शन होगा, तो ऐसे लगता है वो, है ना। चलिए हाँ, सर्वाधिक गर्मी संवेदनशील टीका है, देखो ऐसा टीका जो गर्मी के कारण नष्ट हो सकता है, ऐसा टीका जो गर्मी में नष्ट हो जाए,
मतलब ऐसा हीट सेंसिटिव वैक्सीन बताइए जिसे बहुत ज्यादा फ्रीज करके रखा जाता है, जिसे ठंड में रखा जाता है ना, वो टीके का नाम बताओ। पीएससी का पेपर ठीक गया है, बहुत बढ़िया। हाँ तो पीएससी का बहुत सारे लोगों ने दिया होगा ना। अगर आप साइंस वाले हो तो फॉरेस्ट का भी ध्यान रखना, फिर साथ में फॉरेस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो ना तुम लोग, क्यों नहीं करते फिर। बी को लॉक कर दूं, ओपीवी को लॉक कर दूं, और कौन सा बताओ जल्दी। सी बोल रहे हैं आधे आधे, बी बोल रहे हैं ओपीवी, है ना। चलो आंसर क्या होगा, ओपीवी, ओरल ओरल पोलियो वैक्सीन, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसे -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या रखा जाता है, मतलब कि इसे प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है ना। ओपीवी को, ओपीवी जो होती है ये, इसकी खोज किसने करी थी 1961 में, किसने खोजी थी, अल्बर्ट सेबिन ने खोजी थी, अल्बर्ट सेबिन ने इसे खोजा था, ठीक है। ये एक कैसी वैक्सीन है, ये एक लाइव वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है, एक लाइव वैक्सीन है। लाइव वैक्सीन का अर्थ क्या होता है, लाइव वैक्सीन का अर्थ होता है जिसमें उस वायरस को, जिंदा आपके शरीर में डाला गया हो, लेकिन ये वायरस कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति जिंदा तो है पर वो वेंटिलेटर पे है, समझ रहे हो आप, वेंटिलेटर पे सांसें तो चल रही है, व्यक्ति जिंदा माना जाएगा, वो आपको देख भी पा रहा है, आपको सुन भी पा रहा है, लेकिन क्या वो इस हालत में है कि उठ के अपना काम कर ले, वो इस हालत में तो नहीं है। सेम यही जो कॉन्सेप्ट होता है ये लाइव वैक्सीन का होता है, इसमें वायरस तो जिंदा होता है लेकिन वो बीमारी फैलाने के हालात में नहीं होता, उसे इस प्रकार से कमजोर करके वैक्सीन बनाई जाती है। तो ध्यान रखना कि जो लाइव वैक्सीन है वो ओपीवी है, बच्चों को बूंद के माध्यम से पिलाई जो जाती है वो वैक्सीन ओपीवी वैक्सीन है आपकी, है ना। और कब कब हम इसे देते हैं ये बात भी आप ध्यान रखना कि अगर मैं बात करूं ओपीवी की तो इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात है। देखो इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर आप देख रहे हो, इसके ऊपर ये मॉनिटर लगे हुए हैं, है ना। ये क्या होते हैं, ये मॉनिटर लगे होते हैं, ये आप देख रहे हो वैक्सीन पे, ये देखो ये ब्लैक कलर का हो गया है, ठीक है। यही क्या है, ये मॉनिटर है। और इन मॉनिटर का काम क्या होता है, ये जो आपके मॉनिटर लगे होते हैं वैक्सीन मॉनिटर, ये क्या बताते हैं, ये वैक्सीन खराब हुई है, खराब है या नहीं है ये बताते हैं। कैसे पहचानोगे, अगर ये मॉनिटर शाइन कर रहा है ना, अगर ये मॉनिटर शाइन कर रहा है, अगर इसमें चमक है, तो इसका मतलब वैक्सीन क्या है, उपयोग करने लायक है। वैक्सीन कैसी है, उपयोग की जा सकती है। लेकिन अगर ये मॉनिटर कैसा पड़ चुका है, गर्मी के कारण क्या पड़ चुका है, काला पड़ चुका है, ठीक है, तो फिर ये वैक्सीन क्या है, ये वैक्सीन खराब हो चुकी है। आप ऐसे इन बोतलों की जांच कर सकते हो, अगर ओपीवी की बोतल के ऊपर जो लेबल लगा हुआ है वो शाइन कर रहा है तो वैक्सीन खराब नहीं हुई है, और अगर वो धीरे धीरे ब्लैक पड़ जाए गर्मी से तो मतलब वो वैक्सीन खराब हो गई है, ठीक है। तो ध्यान रखना इसमें ये लाइव वैक्सीन है, इस प्रकार से इस पे मॉनिटर लगे हुए आते हैं, आप उसे चेक कर सकते हो। ये क्या होता है, गर्मी के अंदर ब्लैक पड़ जाता है और -20 डिग्री पे, -20 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं, हम इसे प्रिजर्व करके रखते हैं। ओपीवी के बारे में किसने खोज की थी, अल्बर्ट सेबिन ने 1961 में इसकी खोज की थी। इसमें जिंदा वायरस का उपयोग किया जाता है। दूसरी बात, ये जो जन्म के समय दी जाती है, जन्म के समय है ना, ये भी जन्म के समय दी जाती है, और उसे किस नाम से जानते हैं, तो दो बूंद इसे दिया जाता है और ये होती है ओपीवी 0, ओपीवी 0, ठीक है। तो जन्म के समय जो ओपीवी दी जाती है वो ओपीवी 0 कहलाती है, ओपीवी 0 कहलाती है, ठीक है। चलो बी वेग किस वैक्सीन को नियंत्रित करने में सक्षम वैक्सीन है, बी वेग किसके लिए दी जाती है बताओ, बी वेग वैक्सीन किसके लिए उपयोगी है,
चलो जल्दी से आंसर लगा दो। बी बैग किसके लिए दी जाती है? हाँ चलो आंसर लगा दिया उसका, सी है ना, हेपेटाइटिस के लिए दी जाती है। जो बी वैक आपकी वैक्सीन होती है, ये बी वैक वैक्सीन हेपेटाइटिस के लिए दी जाती है, हेपेटाइटिस बी के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए दी जाती है। और ये हेपेटाइटिस बी क्या करता है, लीवर इंफेक्शन करता है, क्या करता है, लीवर इंफेक्शन करता है। अच्छा हेपेटाइटिस की जो वैक्सीन होती है वो भी जन्म के तुरंत लगती है ना, जन्म के 24 घंटे में, आप बोलोगे जन्म के तुरंत बाद लगती है, ठीक है, जन्म के तुरंत बाद लगती है, ठीक है, कहाँ लगती है? तो ये होती है इंट्रा मस्क्यूलर होती है। सेकंड कैसी लगती है, 90 डिग्री के एंगल से लगाई जाती है, कैसे लगाई जाती है, 90 डिग्री के एंगल से लगाई जाती है। और ये क्या होती है, आईएम होती है, इंट्रा मस्कुलर होती है, आईएम होती है, ठीक है। तो हेपेटाइटिस क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। प्रीति क्वेश्चन अगर नहीं बन रहे क्योंकि आपका ये टॉपिक आपने स्पेशली टीकाकरण नहीं पढ़ा है ना, बाकी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम, सुपरवाइजर सबके लिए बहुत उपयोगी है। मैं इसीलिए हर एक चीज की थ्योरी लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए और आपको कुछ जानकारी मिले, ठीक है। हाँ पहले एक बार आराम से सुनो, पढ़ो, क्वेश्चन नहीं बन रहे तो मत बनाओ, पर उसकी थ्योरी सुनो, आप क्या बोलना चाह रहा है। खसरे के टीके की पहली खुराक कब दी जाती है? खसरे का जो टीका होता है, मिजल्स बोलते हैं हम जिसे, मिजल्स, मिजल्स की जो बीमारी होती है उसका पहला टीका कब लगना शुरू होता है ये बताइए, है ना, खसरे की बीमारी का पहला टीका कब लगता है, जल्दी सोचो। अभी तक मैंने खसरे के बारे में कुछ पूछा नहीं है आपसे, थोड़ा सा अंदाजा लगाओ इसका। चलो लगा लिया, तीन टीके लगते हैं जन्म के समय, तीन टीके लगते हैं। ओपीवी, टीके से मतलब है, लगने से मतलब है, ओपीवी पिलाते हैं, हेपेटाइटिस का एक टीका लगता है, बीसीजी का एक टीका लगता है ना। बाकी के टीकों में, हर जो टीके होते हैं उसमें कितना होना चाहिए, आपके 1 महीने का गैप होना चाहिए, 4 सप्ताह का, ठीक है ना। चलो डी लगा दे, 9 महीने की उम्र में, है ना, क्या आंसर हो जाएगा, 9 महीने की उम्र में। देखो एमआर जो होती है, मिजल्स, ये मिजल्स में ध्यान रखना कि जो जर्मन मिजल है आपकी, जर्मन मिजल, ठीक है, जर्मन मिजल्स की जो बीमारी होती है इसमें खून की कमी हो जाती है शरीर में, ठीक है, खून की कमी। और मिजल्स में होते क्या है, तो मिजल्स में सर्दी खांसी हो जाती है बच्चों को, और क्या होती है, लाल दाने हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, लाल दाने हो जाते हैं। अब टीका देखते हैं, तो 9 महीने की उम्र में MR1 का टीका लगता है, ठीक है, कहाँ लगता है, तो सब क्यूटेनियस का मतलब होता है, कहाँ लगता है भैया, तो त्वचा के नीचे, है ना, कहाँ लगता है, भीतरी त्वचा में लगता है, ठीक है। एंगल कौन सा होता है, 45 डिग्री के एंगल से लगता है, कहाँ लगता है, सीधे हाथ में लगता है, कहाँ लगता है, सीधे हाथ में लगता है, ऊपर, ठीक है, सीधे हाथ में कहाँ लगता है, ऊपर लगता है। खसरे का टीका जो होता है, इसी के साथ रेबीज भी इंक्लूड होता है, MR, हाँ, लाल दाने हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखो, 9 महीने की उम्र में पहला MR का टीका लगता है, कहाँ लगता है, तो सीधा हाथ कौन सा, ये वाला, ठीक है। अच्छा इसमें लगेगा कैसे, तो कुछ इस प्रकार से एंगल रखा जाएगा, देखो 45 डिग्री का कोण आपको दिख रहा होगा, ये तो 90 हो गया, ये 45 हो गया, ऐसे आप लगाओगे तो स्किन के नीचे जाएगा ये, और वहां इसे लगाया जाता है, ठीक है। हाँ, रूबेला के लिए भी एड होती है इसके अंदर वैक्सीन, MR1 का टीका, MR1, ठीक है, तो 9 महीने की उम्र में लग जाता है। विटामिन ए एक टीकाकरण है, विटामिन ए जो है वो टीकाकरण के रूप में दिया जाता है, तो बताइए कि ये किस प्रकार का प्रिवेंशन है, किस प्रकार की रोकथाम है ना,
माध्यमिक रोकथाम है, तृतीय रोकथाम है, आदिम रोकथाम है, या विशिष्ट सुरक्षा के लिए इसे दिया जाता है, ठीक है ना? हाँ चलो इसका आंसर लगा दो जल्दी जल्दी। प्रीति बोल रहे हैं कि डॉक्टर की पढ़ाई की है, आपको इतना इसका नॉलेज है दादा। डॉक्टर से मतलब ये है कि जब भी कोई व्यक्ति पोस्टमार्टम करता है तो उसके अंदर उसको पूरा ही पढ़ना होता है ना? हाँ, बस पोस्टमार्टम में ये टेंशन नहीं होती कि क्या पता ऑपरेशन करने के बाद व्यक्ति बचेगा या नहीं, पहले ही खत्म व्यक्ति दिया जाता है, तो इसलिए एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर उस पर काम किया जा सकता है। आप तो इसका आंसर लगा दो तो जल्दी से। हाँ चलो हो गया, डी आंसर होगा ना, विशिष्ट सुरक्षा। देखो ये एकमात्र ऐसा विटामिन ही क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा नहीं कि मैं पर्टिकुलर एग्जाम का नाम ले रही हूँ। ये क्वेश्चन आपकी एसएससी देखो, ठीक है, महिला सुपरवाइजर, या नॉर्मल एग्जाम देखो, उसमें क्वेश्चन क्या आता है, ऐसा कौन सा विटामिन है जो टीकाकरण में उपयोग लाया जाता है, जो टीकाकरण में दिया जाता है ना, ये मतलब होता है इसका। तो जो आपका टीकाकरण में दिया जाने वाला विटामिन कौन सा है, विटामिन ए आपको मिलेगा, और विटामिन ए कितना दिया जाता है, 1 ml, है ना, 1 ml दिया जाता है। शुरुआत कब से होती है, 9 महीने बाद। 9 महीने बाद किसके साथ दिया जाता है, तो ध्यान रखना खसरे के टीके के साथ, खसरे के साथ, खसरे के साथ इसे दिया जाता है। सेकंड बात इसकी ये है विटामिन ए की, कि विटामिन ए जो होता है वो विशिष्ट सुरक्षा आपको प्रदान करता है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, किससे, संक्रमण से, है ना, संक्रमण से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है बच्चे को। उसके अलावा यदि मैं बात करूं विटामिन ए की, तो हर 6 मंथ बाद इसे दिया जाता है, हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद, हर 6 महीने बाद इसे लगाया जाता है, इसे लगाया जाता है, ठीक है। तो हर 6 महीने बाद कौन सा टीका लगाओगे, विटामिन ए का टीका लगा दोगे, है ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए का टीका। कैसा है, तो विशिष्ट सुरक्षा प्रदान करता है ना। साइंटिफिक नेम क्या था भैया इसका, रेटिनोल था। और अगर आपको ऐसे ही खाना है विटामिन, तो आप क्या खाओ, हरी पीली सब्जी खाओ, है ना, हरी पीली सब्जी, हरी पीली सब्जी का सेवन करना चाहिए, ठीक है। चलिए हाँ, टीटी वैक्सीन की पहली खुराक गर्भावस्था में दी जाती है, कब दी जाती है, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ, पहली खुराक की बात कर रहा है वो। जल्दी से आंसर लगा दो इसका। हाँ ए, गर्भावस्था से पहले, गर्भावस्था की पहली पहचान, गर्भावस्था की पहली पहचान से दो ए की है ना, जब गर्भावस्था की पहली पहचान और पहले मंथ में प्रेगनेंसी के या प्रसव के दौरान, ठीक है। इसका आंसर देखो क्या होगा, इसका दो ही आंसर यहां पर आप इंग्लिश में देखो, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है फर्स्ट मंथ, ठीक है, जो प्रेगनेंसी हो गई है किसी गर्भवती की, तो उसके पहले मंथ में दी जाती है, ये पूछा है। देखो कब दी जाएगी, तो गर्भावस्था की पहली पहचान, ठीक है, तो गर्भावस्था की पहली पहचान में आप इसे दे सकते हो। देखो मैं इसकी आपको डिटेल बता देती हूँ क्या होती है, थोड़ा सा हमारे पास इसको हम साइड करते हैं, ठीक है। देखो कब कब दी जाती है, पहले दी जाती थी टीटी, पहले दी जाती थी टीटी, ठीक है, टीटी, लेकिन इसका नाम बदला गया, नाम बदला, ठीक है, इसका क्या करा, नाम बदला। पहले नाम क्या था, टिटनेस, टिटनेस टॉक्साइड, पहले नाम क्या था, टिटनेस टॉक्साइड, अब क्या नाम है, अब वर्तमान में क्या नाम है इसका, तो अब मिल जाएगा आपको टिटनेस, टिटनेस डिप्थीरिया, टिटनेस डिप्थीरिया, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया, इसका नाम कर दिया गया टीडी, क्या नाम कर दिया गया, आप टीडी, ठीक है। तो टीडी की फर्स्ट खुराक कब लगती है, तो आप कहोगे गर्भावस्था, गर्भावस्था, गर्भावस्था की पहचान, गर्भावस्था की पहचान होती है जब मालूम पड़ जाए कि कोई लेडी गर्भावस्था में आ चुकी है ना, या फिर वो गर्भवती हो चुकी है,
कौन से टेस्ट से? तो यहाँ पर देखो इस प्रकार से एक टेस्ट लगता है जिसमें आप क्या देखते हो, लाइन मेजर करते हो, है ना। अगर ये दोनों लाइन क्या हो गई है, रेड हो गई है, इसका मतलब वो क्या है, लड़की, वो महिला क्या है, वो महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। क्या हो चुकी है? महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। इस टेस्ट का नाम क्या है? इस टेस्ट का नाम हो जाएगा ग्रेविडस टेस्ट। क्या हो जाएगा? ग्रेविडस टेस्ट। ग्रेविडस टेस्ट के नाम से जानते हैं, जिसमें हम किसका टेस्ट करते हैं, एक ट्यूब के ऊपर, एक स्लाइड के ऊपर यूरिन टेस्ट लगाया जाता है। और इसमें क्या देखा जाता है? इसमें देखा जाता है HCG हार्मोन। HCG हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है ये तभी निकलता है जब जो महिला होती है उसके अंदर क्या हो चुका है, प्लेसेंटा बनना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो जब भी प्लेसेंटा बनना शुरू होता है तो प्लेसेंटा HCG हार्मोन रिलीज करता है। इस हार्मोन से हम ग्रेविडस टेस्ट करते हैं। पॉजिटिव आने पे उसे TD1 का टीका लगेगा, लड़की है तो TD1 का टीका लगेगा, ठीक है। अच्छा, ग्रेविडस किस, जो हम शब्द यूज करते हैं वो एक जगह और यूज होता है। कैसे यूज होता है? देखो यहाँ पे मैं इसको हटा रही हूं। जो ग्रेविडस होता है इसको बोलते हैं हाइपर ग्रेविडेरियम। ये क्या होता है? हाइपर ग्रेविडेरियम या हाइपर ग्रेविडस का मतलब होता है भारी मात्रा में उल्टियां होना, ठीक है। जब भी किसी प्रेग्नेंट लेडी को बहुत ज्यादा उल्टी होती है तो हम उसे बोलते हैं हाइपर ग्रेविडेरियम, ठीक है। हाँ, स्केल का नाम होता है, जो स्केल होती है उसे हम प्रेगानियस के नाम से, मतलब वो कंपनी के नाम से आने लग गई है, उस टेस्ट को हम ग्रेविडस टेस्ट बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारी कंपनी है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हाइपर ग्रेविडेरियम जो होता है, किसी गर्भवती महिला को ज्यादा उल्टी होती है ना बार बार, तो उसे हाइपर ग्रेविडेरियम कहते हैं, ठीक है। सेकेंड और देखो, एक और देखो, उसके बाद TD2। TD2 का टीका कब लगेगा? तो ध्यान रखना, TD1 के एक माह बाद क्या लगेगा उसे? TD2 का टीका लगेगा। अब इसमें भी एक कंडीशन आप ये समझो, ठीक है ना, आप ये कंडीशन समझो कि यदि कोई महिला है, एक चीज, अभी कोई प्रेग्नेंट हुई लड़की, उसको TD1 लग गया, TD2 लग गया, बात खत्म हो गई। अब उसके बच्चे का जन्म भी हो गया, ठीक है, लेकिन हुआ ये कि उस बच्चे को अभी जन्मे 3 साल पूरे नहीं हुए, है ना, और अचानक से महिला फिर प्रेग्नेंट हो जाती है, फिर गर्भवती हो गई वो, मतलब कि अभी 4 साल कंप्लीट नहीं हुए, 4 साल का गैप मेंटेन नहीं हुआ, और फिर से उसके घर कुछ होने वाला होगा, तब उसको क्या वापस टीडी और TD2 लगेगा? नहीं लगेगा। फिर क्या लगेगा? फिर उसे टीडी बूस्टर लगेगा। कौन सा लगेगा? बूस्टर लगेगा। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा कि यदि TD1 लगा दिया गया है, TD2 लगा दिया गया है, उसके 3 साल बाद या 4 साल, मेनली 4 साल बाद जब लड़की वापस प्रेग्नेंट होगी तो उसे वापस से ये दोनों टीके लगेंगे। और अगर वो महिला पहले ही गर्भवती हो जाती है, 3 साल के अंतराल में हो जाती है, तब उसे वापस ये टिटनेस के टीके नहीं लगेंगे, फिर उसे टीडी बूस्टर लगेगा, है ना। टिटनेस जो होता है वो नहीं, टीडी जो होता है वो डिलीवरी के पहले लगता है। बात कहां पहुंच गए? डिलीवरी के पहले लगता है टीडी का टीका, तो ठीक है, टीडी बूस्टर लग जाएगा अगर 3 साल में फिर कभी प्रेग्नेंट हो गई तो। वो खसरे के टीके का मार्ग क्या है? खसरे के टीके का मार्ग क्या है बताइए जल्दी से। खसरे का टीका कहाँ लगता है? अभी 5 मिनट पहले बताया था मैंने, 5 मिनट पहले बताया था खसरे का टीका कहाँ लगता है। हाँ, अगर क्वेश्चन 5 साल से पहले का है तो भी भैया उसको वापिस से टीके लगेंगे। अगर वो बोलता है कि अभी 3 साल नहीं हुए, 4 साल नहीं हुए, तब वापिस दोनों लगेंगे उसे। हाँ, 4 साल तक चलता है, 4 साल बाद फिर लगवाना पड़ेगा। हाँ प्रीति, यदि 4 साल बाद प्रेग्नेंट हुई तो फिर से TD1, TD2, और उससे पहले हो गई तो TD बूस्टर। इंट्रा, अरे इंट्रा तो है, इंट्रा क्या, देखो तुम लोगों किसी का ध्यान नहीं, अभी किसी का ध्यान नहीं। 15 डिग्री, अरे उसने खसरे का पूछा है, तुम लोग BCG का टीका लगाए जा रहे हो। ये होगा ना, ये आंतरिक,
आंतरिक त्वचा, भीतरी त्वचा, आंतरिक त्वचा पे लगेगा, और वो जो डिग्री लगेगी वो 45 डिग्री पे लगेगा। तुम लोग जो डर्मल बता रहे हो ये बीसीजी के टीके का है, बीसीजी जो टीका लगता है टीवी का टीका, ये लगता है 15 डिग्री पे। बेटे बेटी खो गए, मतलब अभी 5 मिनट पहले बता के गई थी मैं कि 45 डिग्री पे लगता है, और कहाँ लगता है, तो भीतरी त्वचा में लगता है, सब क्यूटेनियस है वो। सब क्यूटेनियस का मतलब होता है जो इंजेक्शन स्किन के नीचे तक जाए। आप लोग लगवाते हो, आप लोग हॉस्पिटल जाते हो, आप लोग कितनी बार जाते हो, आपने देखा होगा टिटनेस का टीका वगैरह जो भी लगता है वो कहाँ लगता है, वो मसल्स में लगता है, वेंस में लगता है क्या? वेंस में नहीं लगता वो, है ना। जो भी स्किन में लगाए जाते हैं वो टीके कैसे होते हैं, मस्कुलर, है ना, वो डायरेक्ट 90 डिग्री से लगेंगे। चलो ये बताओ कि बीसीजी वैक्सीन के पुनर्गठन के लिए प्रयोग किया जाता है, बीसीजी वैक्सीन को हमें घोलना है, बीसीजी वैक्सीन को घोलने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, जल्दी बता दो, बीसीजी वैक्सीन को घोलने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे? बीसीजी वैक्सीन को घोलने के लिए किसका उपयोग करोगे, जल्दी बता दो, बताओ। डिस्टिल वाटर यूज करें क्या? डिस्टिल वाटर यूज करें क्या? आरओ का पानी है आपके वहां, आरओ के पानी में घोलोगे उसे? सामान्य लवण में घोल दोगे, मतलब जो नॉर्मल सलाइन वाटर है खारा पानी उसमें घोल दोगे क्या, या फिर रिंगल लैक्टेट में घोलोगे? जल्दी बता दो किसमें घोलोगे। चलिए क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, अरे गलत आंसर लगा रहे हो सब, डिस्टिल वाटर नहीं होगा, सामान्य सलाइन वाटर में घोलते हैं, ठीक है। डिस्टिल वाटर में इसलिए नहीं घोला जाता क्योंकि डिस्टिल वाटर में घोलने पर वो इरिटेशन फील करवाएगा। इरिटेशन तो होती है बीसीजी से, लेकिन वो जलन ज्यादा होगी आपको, आसूत जल में ज्यादा जलेगा, है ना टीका। इस कारण से खारे पानी में घोलते हैं। कितना खारा पानी चाहिए? 0.9% है ना, क्या लेते हैं, नॉर्मल सलाइन वाटर लिया जाता है और इसे इसमें घोला जाता है, ठीक है, सलाइन वाटर में घोला जाता है। ध्यान रखना, बीसीजी के टीके को घोलने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? खारे पानी का उपयोग करते हैं, क्योंकि डिस्टिल वाटर में घोलने पर वह ज्यादा इरिटेशन फील करा सकता है, जलन दे सकता है, ठीक है। हाँ चलो आगे बात करते हैं। आए मतलब डिस्टिल वाटर लगा दे देखते सही, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, यही आपकी बीसीजी की दवाई है। देखो ये होती है बीसीजी, इस प्रकार से आती है ना, ये है बीसीजी की बॉटल। चलिए भैया, एमपीपीएससी का बैच स्टार्ट होने वाला है ना, प्री प्लस मेंस ऑफलाइन रहेगी, अभी क्लास खत्म नहीं हुई, कल जाना मत, मैं बता रही हूँ इसके बारे में, ठीक है। प्री प्लस मेंस ऑफलाइन ऑनलाइन बैच रहेगा, 8 जनवरी 2024 से शुरू है, 8 से 3 इसका समय है, 9 लक्खा सेंटर पर चालू होने वाला है, ठीक है। प्री मेंस इंटरव्यू की ऑफलाइन फीस 30,000 रहेगी, ऑनलाइन फीस कितनी रहेगी? 499 रहेगी आपकी, है ना, ठीक है। और ये 3 दिन की डेमो क्लास के साथ है, तो एक बार अटेंड जरूर करना। चलिए, बीसीजी वैक्सीन की सुरक्षा अवधि अनुमानित है, मतलब कि बीसीजी जो वैक्सीन है उसको वो आपको कितने सालों तक की सुरक्षा प्रदान करती है, ये बता दो जल्दी से। हाँ, उसे घोलना पड़ता है, बीसीजी को घोलना पड़ता है ना, किसी में लिक्विड में उसको मिलाकर घोलना पड़ता है। हाँ, यह भी एक पायल, यह भी एक प्रकार का सॉल्यूशन है ना, घोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चलो इसका आंसर लगा दो जल्दी से। उसने पूछा है बीसीजी वैक्सीन की सुरक्षा अवधि कब तक है, कब तक बीसीजी वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट कर सकती है? 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, 5 से 6 साल, 10 से 11 साल, जल्दी लगा दो आंसर बी। हाँ राधा, पढ़ाएंगे वो भी, अभी थोड़े किसी कारण से वो डिले हो गया है, ठीक है। चलो क्या आंसर हो जाएगा? तो 15 से 20 साल तक का प्रोटेक्शन प्रदान करता है कौन? बीसीजी की वैक्सीन 15 से 20 साल तक आपकी बॉडी में काम करेगी, है ना। और ध्यान रखना, कैसी वैक्सीन है भैया? एक लाइव वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है? एक लाइव वैक्सीन है। इसमें वायरस जो आपका बैक्टीरिया होता है वो कैसा होता है? जिंदा बैक्टीरिया यूज करते हैं। सभी एक जीवित टीके हैं, है ना।
भैया सभी एक जीवित टीके हैं, बस एक को छोड़ के बता दो कौन सा एक जीवित टीका नहीं है, कौन सा एक जीवित टीका नहीं है, जल्दी बताओ। सचिन ये मत देखो बन पा रहे नहीं, ये देखो कि थ्योरी क्या चीज चल रही है, आप वो चीज पढ़ो अगली बार से सब बनेंगे ठीक है। हाँ क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा आपका डी, है ना। साल को पोलियो वैक्सीन, साल को पोलियो वैक्सीन कैसी है, एक किल्ड वैक्सीन है, ये कैसी है एक किल्ड वैक्सीन है, कैसी है एक किल्ड वैक्सीन है ना। इसके अंदर जो आप यूज करते हो वायरस वो कैसा होता है, वो मरा हुआ होता है, वायरस कैसा होता है मरा हुआ। बाकी ये तीनों कैसी हैं, ये तीनों लाइव वैक्सीन है। साथ में आप याद कर सकते हो कोरोना, है ना, कोरोना की जो वैक्सीन है कोविड शील्ड, वो भी कैसी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन है ठीक है। तो बीसीजी, खसरा, रूबेला, ये तीनों में कैसा जिंदा वायरस का उपयोग किया जाता है, जबकि ये साल्क पोलियो वैक्सीन, साल्क पोलियो वैक्सीन को क्या बोलते हैं, आईपीवी, खोज 1955 किसके द्वारा की गई, जोनास साल्क द्वारा की गई, जोनास साल्क द्वारा की गई थी ठीक है। ये पोलियो की वैक्सीन थी, पोलियो क्या करता है ठीक है, जो पोलियो होता है वो पोलियो क्या होता है ध्यान रखना, पोलियो आपके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है पोलियो ठीक है। और पोलियो क्या करता है, हमारी हड्डियों को खाता है, हड्डियों को खाने वाला, हड्डियों को खाता है पोलियो, क्या करता है हड्डियों को खाता है और अपंग बना देता है इंसान को। तो इन्होंने आईपीवी खोजी, लेकिन ये ज्यादा असरदार नहीं होती, जो किल्ड वैक्सीन होती है वो ज्यादा असरदार नहीं होती। तो कौन सी असरदार होती है, आपकी जो लाइव वैक्सीन होती है वो ज्यादा असरदार होती है। दोनों में से कौन सी अच्छी वैक्सीन है, लाइव वैक्सीन अच्छी है ना, उसमें जिंदा वायरस का यूज किया गया है ठीक है। हाँ चलिए, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है वो। ये बताओ बीसीजी वैक्सीन के पुनर्गठन के बाद, मतलब कि तुमने बीसीजी को घोल दिया पानी के अंदर, पानी में घोलने के बाद कितने टाइम तक उसका उपयोग किया जा सकता है, या कितने टाइम के बाद उसका उपयोग नहीं कर सकते है ना। मतलब कि बीसीजी वैक्सीन को खारे पानी में तो हमने घोल दिया, लेकिन घोलने के कितने घंटे बाद फिर वो वैक्सीन यूज के लायक नहीं रह जाती, ये बताना है आपको ठीक है। हाँ भैया, नमस्कार भैया, सुमिता, छाया, मुकाम, प्रियंका, दीक्षा, गायत्री, हाँ ये कोशिश की जाएगी कि इसके अंदर थोड़ा नर्सिंग भी ऐड कर दे, नर्सिंग के क्वेश्चन भी ले आएंगे तो बढ़िया रहेगा है ना, नर्सिंग भी हो जाएगा साथ में। इसका आंसर लगा दो तो जल्दी से, 6 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 12 घंटे, जल्दी बताओ। 12 घंटे, रूपाली के लिए 12 घंटे तक यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों का डी भी है, बहुत सारे लोगों का बी भी है। ओपीवी अच्छी नहीं है फिर क्यों लगाते हैं, छाया ओपीवी तो अच्छी है, ओपीवी लाइव वैक्सीन अब अच्छी है, आईपीवी की बात हो रही है, मतलब कहने का मतलब है अच्छी तो दोनों है पर कौन प्रभावकारी होती है ज्यादा, तो लाइव वैक्सीन ज्यादा प्रभावकारी होती है, उसमें जिंदा वायरस होता है, ये मतलब है बोलने का। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 3 घंटे, 3 घंटे इसका आंसर है। बीसीजी की जो वैक्सीन होती है उसको अगर पानी में घोल दिया तो 3 घंटे बाद उसको उपयोग नहीं कर सकते, दिक्कत दे जाएगा है ना, 12 घंटे नहीं होगा, 6 घंटे नहीं होगा, क्या आंसर हो जाएगा, 3 घंटे आंसर होगा, 3 घंटे बाद यूज नहीं कर सकते। ओपीवी वैक्सीन को सामान्य तापमान पर रखा जाता है, ओपीवी वैक्सीन को किस तापमान पर रखोगे बताओ, 30 डिग्री, +20 डिग्री, -20 डिग्री, या 2 से 8 डिग्री, बता दो जल्दी से। प्रीति, प्रीति ये नर्सिंग के ही क्वेश्चन है, ये नर्सिंग के ही क्वेश्चन है ठीक है, नर्सिंग और महिला सुपरवाइजर में कुछ टॉपिक सेम है, उठा के देख लो आप, ये प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगे आपको, जल्दी बताओ। 2 से 8 घंटे, अरे कितने डिग्री पर रखोगे ओपीवी को, अभी बताया था, शुरू में ही बताया था, जल्दी लगा दो। सी,
चलो भैया क्या आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि हमें सबको पता है ओपीवी क्या है। ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन, दो बूंद जिंदगी की वो वाली है ना। और इसको किस पे रखते हैं? ये बहुत ज्यादा हीट सेंसिटिव है। कैसी है? हीट सेंसिटिव है, हीट सेंसिटिव है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मात्रा में हीट सेंसिटिव है, गर्म करने पे नष्ट हो जाएगी। -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको प्रिजर्व कर सकते हैं। चलिए ओपीवी वैक्सीन, ओपीवी वैक्सीन कब खतरनाक हो सकती है, कब नहीं लगा सकते? ओपीवी वैक्सीन कब खतरनाक साबित हो सकती है? चलो दो से आठ, ये नहीं हो कि दो से आठ अभी आती है आगे, वो उसको प्रिजर्व करते हैं। ओपीवी को -20 पे प्रिजर्व करते हैं, अभी आएगी दो से आठ वाली। चलो उपरोक्त सभी है ना, उपरोक्त सभी, पहली बात तो वैक्सीन को कभी भी ऐसे बच्चे को नहीं लगाते जिसको दस्त लगे हो, जो बुखार में हो, जो बीमार हो, है ना। इसका डी ऑप्शन सही होगा। ओपीवी वैक्सीन में एक लाइव वायरस होता है, और वो इन सारी जो जितनी भी ये बीमारियां बच्चे को है तो उससे क्या हो जाएगा, उससे उसकी बॉडी में दिक्कत हो जाएगी। ये जो आपका वायरस है ये हो सकता है प्रभावकारी साबित हो जाए, है ना, वो सच में बीमार पड़ सकता है। तो इसमें सब कुछ हो जाएगा। मेनली जब बच्चे को दस्त या बुखार होता है तो वैक्सीन थोड़ी डिले कर दी जाती है, ठीक है। तो ऐसे में वैक्सीन नहीं लगती। और ध्यान रखना 0 से 12 साल तक की जो उम्र होती है, या ज्यादा ज्यादा किसी बुक में 2 दे रखा है, ठीक है, 12 महीने। तो 0 से 12 महीने की जो उम्र होती है, 12 महीने की जो उम्र होती है वो शैशव कहलाती है, शैशव अवस्था कहलाती है। और शैशव अवस्था में लगाए जाए टीके कैसे कहलाते हैं? प्राथमिक टीके कहलाते हैं। प्राथमिक टीके जो कहाँ लगाए जाए? शैशव अवस्था में लगाए जाते हैं। चलो मोपिंग अप से संबंधित गतिविधियां है। मोपिंग अप किससे संबंधित है बताइए? मोपिंग अप किससे संबंधित है? हाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी क्या पूछा आपने, एक बार फिर से पूछ लो। हाँ चलो आंसर लगा दो जल्दी से। ये मॉपिंग अप क्या है, ये मॉपिंग अप क्या होता है? अच्छा बाल सुरक्षा, बाल सुरक्षा कार्यक्रम संबंधित है क्या ये? पोलियो पल्स संबंधित है क्या ये? या फिर गर्भवती महिलाओं के लिए टीकाकरण, ऐसा कुछ है, या इनमें से कोई नहीं है? जल्दी से आंसर लगा दो। लीचिंग सुना है, चलो मोब लिचिंग। अरे नहीं वो नहीं है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर है पोलियो पल्स कार्यक्रम से संबंधित है। कहने का अर्थ क्या है ये समझो, जब भी पोलियो की दवा पिलाई जाती है, पोलियो की दवा तो 3 कैटेगरी में पिलाई जाती है। 3 कैटेगरी का मतलब ये होता है, पहला तो सेंटर पे पिलाई जाएगी, ठीक है, पहले तो सेंटर पे खुद बुलाया जाएगा बच्चों को, उसके बाद वो क्या करेंगे, वो घर घर जाएंगे, ठीक है। और दूसरे तीसरे चरण में क्या करेंगे, वो दोनों घर जाकर पिलाएंगे, घर जाकर। तो ये घर जाकर पिलाने की जो एक्टिविटी होती है ये कहलाती क्या है? मॉपिंग अप। ये क्या कहलाती है? मॉपिंग अप कहलाती है, मॉपिंग अप कहलाती। कहने का मतलब है कि पोलियो पिलाने के दौरान पहले, सबसे पहले पोलियो कहाँ पिलाएंगे? खुद सेंटर पे बुला के पिलाएंगे। दूसरी बात, वो खुद घरों घर जाके पूछते हैं कि आपके वहां पे 5 साल का बच्चा है, 5 साल से छोटी उम्र का बच्चा है, अगर है तो घर घर जाके पोलियो पिलाना क्या कहलाता है? मॉपिंग अप कहलाता है। क्या कहलाता है? मॉपिंग अप कहलाता है, ठीक है। हाँ इसका नाम एक्टिविटी बोलते हैं, मॉपिंग अप का मतलब है घर घर जाके पोलियो पिलाना, तो पोलियो से संबंधित है मॉपिंग अप आपका। हाँ चलिए आगे बात करते हैं। पल्स पोलियो टीकाकरण की जो कार्यक्रम था वो कब शुरू किया गया, जल्दी बता दो। पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? यह सबको पता होगी, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलो
इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, 16 मार्च, 16 मार्च को पहली बार, 16 मार्च को पहली बार पोलियो की वैक्सीन दी गई थी। 16 मार्च को पहली बार पोलियो वैक्सीन दी गई थी, पोलियो वैक्सीन दी गई थी, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? पोलियो दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलियो दिवस कहते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1995 में हुई थी। इसका टारगेट क्या था? भारत को पोलियो मुक्त घोषित करना। पोलियो जो होती है, पोलियो पोलियो 3 तरह की होती है ना? टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, टाइप 3। हमारे भारत में 2014, हमारे भारत को 2014 में क्या घोषित किया गया? पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया। भारत को 2014 में पोलियो मुक्त घोषित किया गया। लेकिन एक बात और ध्यान रखना कि उसके बाद 2015 में फिर हमें पोलियो का केस देखने को मिला, और फिर हमने इस पोलियो की दवा को क्या बना दिया गया? 2015 में इस पोलियो की दवा को बाईवेलेंट कर दिया गया। बाईवेलेंट का मतलब होता है कि ऐसी दवा जो दो बीमारियों को टारगेट करे, है ना? तो जो पोलियो है, हमारे भारत में तीसरा टाइप खत्म हो चुका था। हमारे भारत में 2 टाइप के ही पोलियो देखने को मिलते हैं मेनली, और इसीलिए इसे बायोवेलेंट कर दी गई। 2014 में क्या कर दिया गया? 2014 में हमारे भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था, और 16 मार्च को पहली बार पोलियो वैक्सीन दी गई थी, जिसे हम पोलियो दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हाँ, पोलियो मुक्त हो गया था। फिर डीपीटी वैक्सीन सहायक है। ये बताओ आप कि डीपीटी जो वैक्सीन दी जाती है, डीपीटी की वैक्सीन, डीपीटी, डीपीटी का जो टीका होता है, इस डीपीटी के टीके में उत्प्रेरक के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं? ये पूछा है वो क्वेश्चन, समझना कि डीपीटी के टीके में उत्प्रेरक के रूप में क्या मिलाया जाता है, ये पूछा गया है आपसे। डीपीटी का टीका किसके लिए दिया जाता है? ठीक है, हाँ, डीपीटी का टीका किसके लिए दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका जो दिया जाता है, वो दिया जाता है डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, ठीक है, पर्टूसिस, डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस। लेकिन अब इस टीके को क्या कर दिया गया है? अब इस टीके को डीपीटी के नाम से नहीं, पेंटावेलेंट के नाम से देते हैं, पेंटावेलेंट के नाम से देते हैं। इसमें दो और ऐड की गई, एक जोड़ी गई हेपेटाइटिस, ठीक है, और एक जोड़ी गई आपका इन्फ्लुएंजा। ठीक है, जिसे आप क्या बोल सकते हो? हीमोफिलस, हीमोफिलस, ठीक है। तो हीमोफिलस, ये जो बीमारियां हैं, दो बीमारी और ऐड की गई है आप पेंटावेलेंट के रूप से रहते हैं। आप स्पेशल डीपीटी के रूप में आप इसको नहीं जानते ना, मिक्स कर दिया अब इसे। चलो जल्दी बता दो, इसलिए थोड़ा टफ लग रहा है मुझे क्वेश्चन, है ना? चलो, क्या आंसर हो जाएगा इसका? एल्यूमिनियम फॉस्फेट। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट इसका सही आंसर होगा। एल्यूमिनियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा इसका सही आंसर होगा? चलो भैया, आगे बात करते हैं। डीपीटी टीके का भंडारण किया जाता है। देखो, ये आ गया आंसर क्वेश्चन इसका, अभी पूछा था ना किसी ने। देखो, अगर बच्चा 3 साल से कम है तो उसको कौन सा लगेगा? MR2, जापानी इंसेफेलाइटिस के टीके लगेंगे, और 5 साल के अंदर कभी भी उसको ओपीवी बूस्टर दी जा सकती है। ठीक है, 3 साल मतलब कि 24 साल, आपके जो 24 महीने होंगे, उस 24 महीने के अंतर्गत से लेकर कौन सा लगेगा? MR2 की लग जाएगी और JE2 की लग जाएगी उसे। चलो जल्दी आंसर लगा दो, क्या आंसर हो जाएगा? हाँ, डीपीटी के टीके का भंडारण किया जाता है किस पे? तो 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है ना, इतने सेंटीग्रेड पे प्रिजर्व कर दोगे उसको, क्योंकि जो डीपीटी होती है वो कैसी है? वो हीट सेंसिटिव नहीं है। ये कैसी है? तो इसको, ये आपकी उष्मा, उष्मा संवेदी, उष्मा संवेदी, हीट सेंसिटिव नहीं है, है ना? ये क्या हो सकती है? ये हीट पे भी खराब नहीं होती, डीपीटी हीट पे खराब नहीं होती, हीट पे खराब नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अभी किसी ने मुझसे बोला था कि हमने बुक में पढ़ा है ना,
आठ समथिंग पढ़ा है, आठ समथिंग नहीं, ये देखो ये रहा, क्या हो जाएगा, आठ समथिंग नहीं होगा, आठ इसके लिए डीपीटी वाले के लिए। ओपीवी जो है वो सबसे ज्यादा हीट सेंसिटिव है, उसे कोल्ड में प्रिजर्व किया जाता है, ठीक है। चलिए, कौन सा डीपीटी वैक्सीन घटक सबसे गंभीर जटिलताओं का कारण बनता है, मतलब डीपीटी के अंदर ऐसा कौन सा घटक है इनमें से जो क्या कर सकता है आपको बहुत खतरनाक तरीके से, हाँ आपको क्या कर सकता है, बहुत खतरनाक तरीके से प्रभावकारी भी आप पे प्रभाव डाल सकता है। हाँ, इनमें से क्या है बताओ, क्या कौन सा ऐसी आपकी तीनों में से ऐसा कौन सा घटक है जो आपको प्रॉब्लम भी कॉज कर सकता है, दिक्कत दे सकता है, जो चलो भैया क्या आंसर हो जाएगा, पर्टुसिस बहुत खतरनाक है, ये आपको क्या कर सकता है, ये आपको न्यूरो डिसीज कर सकता है, क्या कर सकता है, ये आपको न्यूरो डिसीज कर सकता है, न्यूरो डिसीज है ना, काली खांसी, न्यूरो डिसीज, ये न्यूरो डिसीज भी आपको कॉज कर सकता है पर्टुसिस का जो घटक होता है, ठीक है, पर्टुसिस बहुत खतरनाक होता है, पर्टुसिस न्यूरो डिसीज कॉज कर सकता है। ये बताओ किस टीके ने टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम विकसित किया है, कौन सा टीका है जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम विकसित किया जा सकता है जिससे, चलिए भैया क्या आंसर हो जाएगा। हाँ देखो, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम का मतलब यह होता है कि ऐसी ऐसी आपकी वैक्सीन, ऐसी आपकी वैक्सीन जो क्या हो, जो बाद में यूज करने पर, जैसे मैंने कहा बीसीजी, बीसीजी 3 घंटे बाद यूज नहीं कर सकते, वैसी ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो कुछ समय बाद इस्तेमाल करने पे आपको क्या कर सकती है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम विकसित कर सकती है ना, पॉइजनस के रूप में आपका काम कर सकती है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, डीपीटी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बी इसका आंसर सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, खसरे के टीके को शीशी के पुनर्गठन के बाद निस्तारण कर दिया जाता है, मतलब कि कितने घंटे बाद खसरा जो है आपका, है ना, खसरे की जो आपकी शीशी है उसमें जो कुछ भी बचा हो उसे आप क्या कर दोगे, खत्म कर दोगे, हटा दोगे, वरना दिक्कत दे जाएगी वो चीज, फटाफट से आंसर लगा दो। कितना आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी चीज कितनी देर तक यूज की जा सकती है, बताओ, 1 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटे या 4 घंटे, 1 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटे, 4 घंटे। चलिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, 4 घंटे, क्या आंसर हो जाएगा इसका, 4 घंटे, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 4 घंटे। तो 4 घंटे के बाद क्या किया जा सकता है, ये जो भी आपकी खसरे की जो शीशी होगी, ठीक है, इसे 4 घंटे बाद, मतलब 4 घंटे बाद अगर ये आप यूज करोगे तो ये बहुत खतरनाक है ना, और ये क्या कर सकती है, ये क्या कर सकती है, टॉक्सिक शॉक। अच्छा रुको रुको 1 सेकंड, ये पीछे मैंने ये बताया ना टॉक्सिक शॉक के बारे में, इसको खसरा कर लेना भैया, ठीक है, ये दिमाग से स्किप हो गया, इसे खसरा कर लेना, क्योंकि ये 4 घंटे बाद अगर यूज कर ली तो ये क्या कर देगी, ये टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम
रिलीज कर देगी, ठीक है? ध्यान रखना खसरे की जो दवा होती है वो, उसके अलावा वैसे कब तक इसको इस्तेमाल कर लिया जाना चाहिए, तो एक घंटे के अंतराल में, एक घंटे के अंतराल में इसे यूज कर लिया जाना चाहिए। अगर 4 घंटे बाद भी बची और यूज कर ली तो दिक्कत दे जाएगी बॉडी के अंदर, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर है 4 घंटे। सही आंसर था, बहुत सारे लोगों ने दिया है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल कहां पर है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल कहां पर है, जल्दी आंसर लगा दो। हाँ बहुत सारे लोग मुझे ऐसा लग रहा है कि नर्सिंग की भी तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि उनको बहुत अच्छे से टाइमिंग मालूम है ना? तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ लोग ऐसे हैं इसमें शायद, जिनको उनको नॉलेज है, समय का भी नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है कि पढ़ा हुआ है। हाँ, क्या आंसर हो जाएगा? हैदराबाद में स्थित है। कहां पर है? हैदराबाद में, ठीक है? तो भारत बायोटेक कंपनी की जो स्थापना हुई थी, वो स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1996 में। किसने की थी? कृष्ण एला। किसने की थी? कृष्ण एला द्वारा की गई थी, है ना? उसके बाद यदि हम बात करें क्या बनाती है, तो बहुत सारी वैक्सीन बनाने में योगदान रहा है इन कंपनी का। जैसे कि कौन सी वैक्सीन? तो रेबीज की बनाई है, जेई की वैक्सीन बनाई है, चिकनगुनिया की इन्होंने बनाई है, चिकनगुनिया की वैक्सीन बनाई है, ठीक है? तो ये वैक्सीन इन्होंने बनाई है, इसमें इनका योगदान है भारत बायोटेक का। उसके अलावा एक चीज और है, आईसीएमआर। आईसीएमआर क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसका हेडक्वार्टर मुख्य कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में, है ना? दिल्ली में आपको इसका क्या मिलेगा? हेडक्वार्टर मिलेगा। और ये आपकी जितने भी आप डाइट देखते हो ना, सारणी खाने पीने की, वो रिलीज करती है, ठीक है ना? हाँ, असुमी वो हो जाएगी, उस पर भी क्लास, टेंशन मत लो, ऐसा कुछ बचा नहीं है उस पर, ठीक है? चलिए, एमपीपीएससी का नया बैच स्टार्ट होने वाला है प्री प्लस मेंस के साथ, ठीक है? ऑनलाइन बैच रहेगा 8 जनवरी 2024 से, 8 से 3 इसका टाइम है, ठीक है? और नवलखा सेंटर पर रहेगा। इसकी फीस कितनी है प्री मेंस और इंटरव्यू की? तो 30,000 है। और यदि ऑनलाइन आपको ज्वाइन करना है तो 499 में, 3 दिन का डेमो भी है इसमें, है ना? उसके अलावा ऑल सब्जेक्ट का जो बैच है, ठीक है, जैसे कि एमपीएसआई, एमपी पुलिस और एसएससी के लिए टारगेट किया गया है, 21 दिसंबर को स्टार्ट होने वाला है, 3 से 8 इसका टाइम रहेगा, नवलखा सेंटर पर यह भी रखा गया है ना? 2 दिन की डेमो क्लास इसमें भी आपको फ्री दी गई है, 2 दिन की डेमो क्लास रहेगी। उसके अलावा ठाकुर सर के जन्म दिवस पर, मतलब कि 20 जो दिसंबर है, 20 से 21 दिसंबर के लिए आपका क्या रखा गया है? आपका रखा गया है कुछ ऑफर। ऑफर देख लीजिए यहाँ पर क्या है। न्यू स्टूडेंट के लिए 7,000 फीस रहेगी 6 मंथ की, है ना? और यदि आपको 1 साल के लिए चाहिए कार्ड बनवाना है तो 9,500। अगर आप ओल्ड हैं तो 3,500 है आपकी वैलिडिटी। इसके अलावा 5,500 है 1 साल के लिए। यहीं पर आपके पीएससी पर भी ऑफर है, प्री प्लस मेंस 25,000 है 1 साल वालों के लिए, ओनली प्री 15,000 है ये भी 1 साल के लिए, और ओनली मेंस कितनी है? 15,000 है 1 साल के लिए, है ना? ओनली के लिए, ठीक है? चलिए, और ये देखो भैया, ऐप पर भी जितने भी आपके ऑनलाइन कोर्सेस है उसके ऊपर 80% ऑफ है। कितना परसेंट ऑफ है? 80% ऑफ है ऑनलाइन कोर्सेस पे, ध्यान रखना। और ये ऑफर सिर्फ 20 और 21 को ही रहेगा। आप अगर ऐप यूज करते हैं, ऑनलाइन कोई क्लास लेते हैं, तो उसके ऊपर 80% ऑफ है 20 से 21 तारीख तक, ठीक है? क्योंकि आप लोग वैसे ऑनलाइन वाली दिख रहे हो ज्यादातर इसके अंदर। चलिए भैया, धन्यवाद इतनी देर बने रहने के लिए और इतनी देर पढ़ने के लिए बहुत अच्छे से। ऐसे ही हम और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे जो अच्छे हो, जो नर्सिंग को भी टारगेट करें और महिला सुपरवाइजर और अदर जानकारी भी आपको मिल जाए, ठीक है? चलिए, और बाहर निकलने से पहले भैया वीडियो लाइक करते हुए जाए, वरना सबको कल एक एक टीका लगा के अंदर लूंगी मैं क्लास में, है ना? ठीक है, चलो भैया फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। बड़ा ही अच्छा लगा, 1 घंटे कब बीत गए मालूम ही नहीं पड़ा आज तो। बीसीजी का टीका लगेगा सबको, ठीक है? चलिए, तो ऐसे ही हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।